फ्रेंड्स, आप भी राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप मोबाइल से ही इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर आपके राशन कार्ड में सदस्य का नाम जुड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है, यहाँ टाइप करेंगे मेरा राशन, प्रकार से टाइप करेंगे और फर्स्ट नंबर में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे राशन 2.0, इसमें आपको करना है इंस्टॉल। यहाँ पास इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेंगे। ओपन जैसे होगा यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, लाभार्थी उपयोगकर्ता एवं विभाग उपयोगकर्ता। तो यहाँ पास आप लाभार्थी उपयोगकर्ता में क्लिक करेंगे और यहाँ पास आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो राशन कार्ड में जिसका आधार कार्ड जुड़ा है उसका यहाँ पास आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे। फिर आप यहाँ कैप्चा फिल कर लेंगे जो यहाँ पास लेफ्ट साइड में है। उसके बाद यहाँ पास OTP से लॉगिन करें में क्लिक करेंगे। OTP यहाँ पास भेजने के बाद यहाँ पास ठीक है में क्लिक करेंगे और यहाँ पास OTP डाल लेंगे, जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़े हैं उसमें जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन यहाँ पास कर लेंगे सत्यापित करें में। फिर यहाँ पास देखेंगे अब बनाए पिन यहाँ पास से और यहाँ पास स्किप। तो आप पिन बनाना चाहते हो अब बनाए में क्लिक करेंगे, नहीं तो स्किप कर लेंगे। उसके बाद पारिवारिक विवरण में क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर में देखेंगे नया सदस्य जोड़े, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पास अंग्रेजी में जो नाम है उसको डालना है, जिसका नाम जोड़ना है उसका नाम यहाँ पास पूरा टाइप करेंगे सरनेम के साथ। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पास फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास स्थानीय भाषा में नाम पूछ रहे हैं तो यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे देखेंगे लिंक, यहाँ पास महिला पुरुष जो है उसको यहाँ पास डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जन्मतिथि, तो जन्मतिथि यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर में देखेंगे यहाँ पास वर्ष डालने का है तो इसमें वर्ष चेंज करके आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पास आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास माता का नाम डालना है अंग्रेजी में, तो यहाँ पास पूरा डालेंगे और जितना भी है सरनेम के साथ। उसके बाद यहाँ पास स्थानीय भाषा में नाम है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर पिता का नाम डालना है अंग्रेजी में, तो यहाँ पास पिता का नाम भी सरनेम के साथ पूरा फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास भारतीय स्थानीय भाषा में फिर इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पास वैवाहिक स्थिति में देखेंगे अविवाहित, तलाकशुदा, वर्तमान में विवाहित, तो इसमें जो भी हैं डालेंगे। विवाहित हैं तो यहाँ पास जीवनसाथी का नाम मांगेगा, तो यहाँ पास जीवनसाथी का नाम आपको अंग्रेजी में टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे स्थानीय भाषा में नाम है, इसको स्किप कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता में यहाँ पास भारतीय सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पास मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का है, तो ये दोनों ऑप्शनल हैं, इसको छोड़ के आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद अगला में क्लिक करेंगे, यहाँ पास मतदाता वोटर आईडी कार्ड नंबर है डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पास नीचे में देखेंगे आधार कार्ड नंबर डालने का है, तो आधार कार्ड नंबर डाल के अगला में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पास व्यवसाय का विवरण है, तो व्यवसाय का यहाँ पास क्या काम करता है उसको डालेंगे, नहीं काम करता है तो उसके लिए भी यहाँ पास अन्य है, उसको आगे बढ़ जाएंगे छोड़ के। यहाँ पास वार्षिक कार्ड डालने के बाद अगले में क्लिक करेंगे। यहाँ पास आप जाति का विवरण डालेंगे, यहाँ पास जो भी जाति हैं उसको डाल लेंगे। फिर परिवार से क्या संबंध है, जो राशन कार्ड धारक हैं उससे क्या संबंध है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पास फाइल ब्राउजिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पास गैलरी में क्लिक करेंगे। अगर आपने गैलरी में जो है जाति प्रमाण पत्र रखा है तो गैलरी से करेंगे, नहीं तो फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपलोड कर दिया हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पास अगला में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे बैंक विवरण है, बैंक का डिटेल यहाँ पर डालने के लिए मांग रहे हैं, तो यहाँ पास बैंक डिटेल है तो आप हाँ जी हाँ में करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे अगले में क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर दिव्यांग का स्थिति है, तो यहाँ पास दिव्यांग का जानकारी है, गंभीर बीमारी की जानकारी देना चाहते तो नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पास फिर से देखेंगे संलग्न डॉक्यूमेंट यहाँ पास डालना है आपका, जो इसमें देखेंगे आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पास कब जारी हुआ था उसका डेट डालना है, तो यहाँ पास कुछ भी डेट डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी डेट यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है जो अनुमानित हो। उसके बाद यहाँ पास ब्राउजिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पास फिर से आधार कार्ड अपलोड करना है, तो आप फ़ोटो खींच के रखे होंगे तो यहाँ पास से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पास नीचे आते हैं, अन्य अनिवार्य दस्तावेज यहाँ पास मांग रहे हैं, तो यहाँ पास आप बैंक पासबुक दे सकते हैं और यहाँ पास से फिर ब्राउजिंग में करके बैंक पासबुक अपलोड कर लेंगे। इस प्रकार से मैं अपलोड कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे देखते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, यहाँ पास विधिवत हस्ताक्षर स्व वचनबद्ध आवेदन पत्र बोल रहे हैं, तो यहाँ पास आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, इसमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास आधार कार्ड का ऑप्शन है तो यहाँ पास आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे यहाँ पास आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पास डेट सेलेक्ट कर देंगे कब जारी हुआ है,
उसको डालने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पास अपलोड करने का ऑप्शन है, फाइल ब्राउजिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पास से गैलरी में क्लिक करके जहाँ पास आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पास से आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड होने के बाद अगला में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पास अगला में क्लिक करेंगे, ऊपर आएंगे फिर यहाँ पास देखेंगे परिचय करता है, इसमें पूरा इंग्लिश में दिया गया है नीचे में, तो आप इसको पढ़े या ना पढ़े कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे फिर यहाँ पास देखेंगे ये जो है टिक करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर टिक करेंगे। फिर नीचे यहाँ पास जमा करना है, इसमें क्लिक करेंगे। OTP इसे सत्यापित करना है, तो यहाँ पास से आपको ठीक है में क्लिक करना है। OTP नंबर यहाँ पास टाइप करेंगे और सत्यापित करें में क्लिक करेंगे। यहाँ पास देखेंगे OTP वेरीफाई सक्सेसफुल है और यहाँ पास आपका जो है डॉक्यूमेंट आपको अधिकारी के पास प्रस्तुत कर दिया गया है, इस प्रकार से आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पास से ठीक है में क्लिक करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 5 से 7 दिन के अंदर में वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका जो सदस्य का नाम है वो जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।